दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों कल मैं सुपरमार्केट गया हुआ था घर के सामान लेने के लिए। वहाँ दो महानुभाव आपस में बातचीत कर रहे थे देश के हालात पे और अर्थव्यवस्था पे, और ऐसा लगा जैसे वे सीधे प्रधानमंत्री के कार्यालय से आए हुए हों, पीएमओ के कोई ऑफिसरों जैसी बात कर रहे थे, जैसे उन्हें देश की अर्थव्यवस्था, देश की माली हालत के बारे में बहुत जानकारी हो। वही बुद्धिजीवी लोग, वो बात कर रहे थे महंगाई पर कि महंगाई है और इस महंगाई में हम खाना अच्छा कैसे खाएं। हम दिनों दिन सामान जो कि रेट है वो महंगे होते जा रहे हैं, हम इसमें अच्छा खाना कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। और वे देश की हालत पर दुहाई दे रहे थे कि देश की हालत बहुत ख़राब है। हम में से अधिकांश लोग यही दुहाई देते रहते हैं, महंगाई है, दिनों दिन सामान महंगे होते जा रहे हैं और हम खाना क्या खाएं। मैंने उन महानुभावों के पॉकेट में एक महंगे ब्रांड की सिगरेट भी देखी, उनके मुंह में मैंने गुटखा चबाते हुए भी देखा। अब मैं आपको तुलनात्मक दृष्टि से बताता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें, आप जो महंगे शौक रख रहे हैं वो किस रेट में हैं, और आपको जीवन देने वाली जो चीज़ें हैं वो किस रेट पे हैं। बादाम 800 रुपये किलो, गुटखा 4300 रुपये किलो, काजू 1000 रुपये किलो, तो सिगरेट 5000 रुपये किलो, शुद्ध घी 600 रुपये किलो, तो तंबाकू 1700 रुपये किलो, सेब 100 रुपये किलो, केला 50 रुपये किलो, तो सुपारी 600 रुपये किलो, दूध 40 से 50 रुपये लीटर, शराब 550, 1000, 1500, 2000 से भी लेकर और महंगे। अब आप तुलनात्मक अध्ययन करिए, जो चीज़ें मौत दे रही हैं वह महंगा और आप बड़े शौक से उसे खरीद रहे हैं। भले महंगाई कहीं पहुंच जाए, देश की हालत कुछ भी हो जाए, आपसे वह गुटखा नहीं छूटता, आपसे वह सिगरेट नहीं छूटता, आपसे वह शराब नहीं छूटती। वहीं केला, सेब, दूध, बादाम खाने में आपको परहेज है, जो उन महंगी मौत की सामान से बहुत सस्ती मिल रही है। अब आप ही बताइए कि देश की हालत खराब है या आपकी आदत खराब है। इंसान हैं आप, आपके पास दिमाग है, आप अपने आप को बड़ा दिमाग वाला कहते हैं, फिर इतनी सोच नहीं सोच पाते। सोचिए सोचिए और सोचिए, मौत का सामान महंगा, उस पर आपको महंगाई नज़र नहीं आती, आप उसे कुछ भी रेट पे खरीदने को तैयार है, जो आपको दिन प्रतिदिन मृत्यु के निकट ले जा रही है, कैंसर जैसे घातक रोगों के करीब ले जा रही है। और जो जीवन देने वाली चीज़ें हैं, फल, दूध, मेवे, वे आपको महंगे लगते हैं। सोचिए फिर सोचिए, क्योंकि आप इंसान हैं, आप सोच सकते हैं, आपसे ज़्यादा समझदार तो जानवर हैं, उन्हें पता है क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, वे जो नहीं खाना उसे छूते भी नहीं, उसे सूंघते तक भी नहीं। आप इंसान हैं, आप समझ रखते हैं, बुद्धि रखते हैं, इसके बावजूद फिर आप कहते फिरते हैं बुद्धिजीवी बनकर, जैसे आप पीएमओ ऑफिस से ही आए हुए हों, कि देश की हालत बहुत चिंताजनक है, देश की हालत बहुत ख़राब है। मैं फिर कहता हूँ, देश की हालत नहीं, आपकी आदत खराब है।